हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फाइव पैसा। मैं हूं देवांशी आशर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 फर्टिलाइजर स्टॉक्स की। देश के ज्यादातर फर्टिलाइजर कंपनियां नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करती हैं। इन सब फर्टिलाइजर्स में से यूरिया, जो कि एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। एंड इस डिमांड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू यूरिया पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन। 2017 से लेके 2022 के दौरान यूरिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी 8473,000 टन बढ़ी है, जबकि इसी दौरान नैनो यूरिया की भी प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 73,000 लीटर तक बढ़ चुकी है। 2022-23 में इंडिया में यूरिया प्रोडक्शन 285 लाख टन तक पहुंच चुका है और अनुमान ये है कि इंडिया में यूरिया का प्रोडक्शन इतना बढ़ सकता है कि साल 2025 से इंडिया को यूरिया इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आने वाले समय में कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जो जोर है, उससे फर्टिलाइजर्स की डिमांड भी काफी इंक्रीज होगी और एक्सपेक्टेशंस ये है कि 2023 से लेके 2028 के बीच में देश का फर्टिलाइजर मार्केट करीब 4.7% की रफ्तार से बढ़ सकता है। ऑल्सो वेस्ट एशिया में टेंशंस के चलते नेचुरल गैस के अगर प्राइजेस हाई रह सकते हैं, जिसके चलते फर्टिलाइजर प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। और ये आंकड़े ये बताते हैं कि फर्टिलाइजर कंपनी के पास मुनाफा कमाने के कई सारे मौके हैं। साथ ही बजट में भी फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ने की उम्मीद है एंड हेंस आपको इन कंपनीज को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर रखना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन। तो चलिए लेट्स फोकस ऑन द टॉप फर्टिलाइजर स्टॉक्स नाउ। सबसे पहले बात करते हैं 1943 में शुरू हुई कंपनी फैक्ट की। इस कंपनी ने इंडिया का पहला बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट लगाया था इन कोची। 1960 में ये प्राइवेट कंपनी से एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई थी और ये कंपनी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स से लेके स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर्स तक प्रोड्यूस करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 51,937 करोड़ रुपीज का है और स्टॉक का 52 वीक हाई करीब 861 रुपीज और इसका 52 वीक लो 192 रुपीज का है। TTM EPS comes to around 7.8 rupees, PE is 102, ROE is 48% और dividend yield कम है at 0.12%. Return on share prices देखें तो पिछले 3 सालों में करीब 1386% और पिछले 5 सालों में 1870% और अगर पिछले 1 साल की बात करें तो करीब 147% तक के शानदार returns generate कर चुकी है। Why fact? FY23 के एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी अपने अमोनिया प्लांट, फॉस्फेरिक एसिड प्लांट और सल्फरिक एसिड प्लांट की जो क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए करीब 1040 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर सकती है एंड फैक्ट इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय ऑलमोस्ट 50% बाय द ईयर 2024-2025। और इन सब के अलावा ओवरऑल जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसमें भी जो ग्रोथ आएगा उससे इस कंपनी को काफ़ी फायदा मिलेगा। The second company on our list today is Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation. ये इंडिया की लीडिंग फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने वाली कंपनी में से एक है। 1979 में अमोनिया बनाने के लिए शुरू की गई थी, जो आज एक पब्लिकली लिस्टेड मल्टी प्रोडक्ट इंडियन कॉन्ग्लोमरेट है, जिसका एनुअल टर्नओवर 1.4 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंडस्ट्रियल केमिकल्स, बल्क स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स, फार्मिंग डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस, टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइड जैसे कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं। As of 27 December 2023, इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 8,551 करोड़ रुपीस का है, स्टॉक का 52 वीक हाई 723 और लो 512 रुपीस है। TTM EPS comes to around 53.4, PE is around 12.7 and ROE is 27%. Dividend yield थोड़ा हाई है at 1.48% and return on share prices देखें तो पिछले 3 सालों में करीब 337% और पिछले 5 सालों में स्टॉक ने 350% तक के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। Why Deepak Fertilizer? August 2023 में कंपनी ने ग्रीन फील्ड अमोनिया प्लांट की शुरुआत की थी और इससे गेल और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से प्रोजेक्ट्स भी मिल चुके हैं। इससे अमोनिया की कॉस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगी। FY24 के क्वार्टर 2 में कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और कंपनी धीरे धीरे अब स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स पे ट्रांजिशन कर रही है,
जिससे कंपनी को फायदा मिलेगा। एंड लास्टली क्वार्टर टू FY24 में डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस इसके नंबर्स थोड़े से बेहतर रहे हैं। आगे बात करते हैं डॉक्टर की के बिरला के द्वारा शुरू की गई कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स की। ये कंपनी 1985 में शुरू हुई थी और यूरिया बनाने में पूरे इंडिया में इसका शेयर करीब 15% तक का है। इस कंपनी की यूरिया बनाने की जो सालाना क्षमता है वो 3.4 मिलियन मेट्रिक टन की है, विच इज हाई। इसके अलावा ये क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट में भी इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स भी बेचती है। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 15,246 करोड़ रुपीज है। स्टॉक का 52 वीक हाई 375 और लो 248 रुपीज का है। TTM EPS 27.3 है, PE comes to around 13.3 and ROE is at 14.6%. Dividend yield इससे भी high है at 2.05%. Return on share prices देखें तो पिछले एक साल में इस stock ने 24%, पिछले तीन साल में करीब 59% और पिछले पांच साल में करीब 157% तक के returns दिए हैं। Why Chambal Fertilizer? कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स की बात करें तो अगस्त 2023 में कंपनी ने LNT एनर्जी हाइड्रोकार्बन को टेक्निकल एमोनियम नाइट्राइड दैट इज TAN इसका प्लांट लगाने का प्रोजेक्ट सौंपा है, जिसकी सालाना जो क्षमता है वो 2.4 लाख मेट्रिक टन्स होने वाली है। इसी के साथ कंपनी वीक नाइट्रिक एसिड प्लांट भी लगाएगी, जिसकी सालाना क्षमता 2.1 लाख मेट्रिक टन की होगी। चौथी कंपनी है पारादीप फॉस्फेट्स। ये कंपनी 1981 में शुरू हुई थी और ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बनाने में माहिर है। इसकी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बनाने की सालाना कैपेसिटी करीब 2.6 मिलियन मेट्रिक टन है और साथ ही इसकी यूरिया बनाने की जो कैपेसिटी है वो 0.4 मिलियन मेट्रिक टन की है। 22 मई में कंपनी ने IPO के जरिए करीब 1500 करोड़ रुपीस रेज किए थे और उसके बाद ये म्यूचुअल फंड्स की फेवरेट कंपनी बन चुकी है। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 5607 करोड़ है। स्टॉक का 52 वीक हाई 75.3 रुपीस और इसका लो 48.3 रुपीस का है। TTM EPS comes to 1.9 and PE is around 35. ROE 8.6% है इस साल। रिटर्न ऑन शेयर प्राइसेस की बात करें तो पिछले एक साल में 19% तक के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। Why पारादीप फॉस्फेट्स? क्वार्टर टू FY24 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 73% तक बढ़ा है वर्सेस लास्ट ईयर और जून 2022 में कंपनी ने IPO के जरिए जो पैसे रेस किए हैं उससे गोवा में एक फर्टिलाइजर प्लांट खरीदा था जिसकी क्षमता 1.2 मिलियन मेट्रिक टन की है। इसके अलावा H2 FY24 में कंपनी का कहना है कि वो 3500 से लेके 4000 तक का जो EBITDA पर मेट्रिक टन है उसे मेंटेन कर पाएगी एंड आने वाले क्वार्टर्स में ये EBITDA पर मेट्रिक टन बढ़कर 5000 से लेके 5500 तक पहुंचने की उम्मीद भी है। FY25 तक इसका जो नेट डेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, विच इज अगेन अ पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी। आखिरी में बात करते हैं एक ऐसी PSU की जिसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। ये फर्टिलाइजर कैटेगरी में न्यू यूरिया, अमोनियम सल्फेट, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स और जिप्सियम जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये लीडर है। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 9,225 करोड़ का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 239 रुपीस और इसका लो 116 रुपीस है। TTM EPS comes to around 26.5, PE is around 8.75, ROE 10.5% और dividend yield 4% से ज्यादा है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइसेस देखें तो पिछले एक साल में करीब 82% और पिछले तीन साल में करीब 223% तक के रिटर्न्स जनरेट कर चुकी है। पिछले पांच साल में करीब 113% तक के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। Why GSFC? तो कंपनी के कई सारे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। FY25 तक ये HX क्रिस्टल प्रोजेक्ट, यूरिया 2 रिवैम्पिंग, सल्फरिक एसिड प्रोजेक्ट्स और 15 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट भी पूरा कर सकती है और इसी के साथ FY26 तक इलेक्ट्रोलाइजर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट भी पूरा कर सकती है। सो बेसिकली द ओवरऑल केपेक्स अराउंड 4000 करोड़ तक का होगा एट डिफरेंट स्टेजेस। तो ये थे टॉप 5 फर्टिलाइजर स्टॉक्स जिन्हें हमने कई सारे मेट्रिक्स के आधार पर चूज किया है। Now, please remember कि ये स्टॉक सिर्फ एजुकेशनल purpose के लिए हैं एंड दिस इज नॉट a recommendation इन any वे। सो दैट्स ऑल फॉर today. स्टे tuned. सी यू soon. वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट forget टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू our चैनल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.